वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में IRCTC रेलवे की तरफ से मैं आपको एक न्यू अपडेट देने वाला हूं और ये अपडेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रेलवे से सफ़र करते हैं और ख़ास तौर पर आप एजेंट लोग से तत्काल टिकट ले कर सफ़र करते हैं, इंटरनेट से बुक किया हुआ टिकट, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको यहाँ पे रेड कलर के सब्सक्राइब की बटन मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सो दोस्तों चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ और यहाँ पे हम आ गए हैं News18 के साइट पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे अपडेट किया गया है कि त्योहारी सीजन में रेलवे ने की बड़ी कार्रवाई, 528 दलालों को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल 528 दलालों को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग क्या करते थे कि तत्काल एनवेस्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है, मुझे इसके बारे में पता है। इसकी मदद से ये लोग IRCTC के साइट पे छेड़छाड़ करते थे और तत्काल टिकट बनाते थे, वो भी पर्सनल यूज़र ID से जो टिकट बुक किया जाता है वो टिकट बनाते थे और उसी टिकट को ये लोग सेल करते थे। अगर आप कभी इंटरनेट का टिकट लेके सफ़र किए होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे कि आपके टिकट के पीछे लिखा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग एजेंट लोग टिकट देते हैं आपको एक ही पेज देंगे ऊपर वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला एक पेज है और यहाँ पे हमने एक नीचे वाला पेज को ओपन कर रखा है, ये भी एक तत्काल टिकट ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट किया जाता है, रेलवे खुद हर टिकट पे ये लिख के देती है कि दिस टिकट इज बुकड ऑन पर्सनल यूजर ID सेल्सलेस परचेस इन 143 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। यानी अगर आप इस टिकट को खरीद रहे हैं तो भी और अगर आप इस टिकट को बेच रहे हैं तो भी धारा 143 के तहत आप अपराधी माने जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप अगर एजेंट से तत्काल टिकट ले रहे हैं तो ये लेके सफर ना करें, अगर फंस जाएंगे तो जितनी सजा उसको होगी वही सजा आप पे भी लागू होती है। और अगर आप एजेंट हैं, आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि IP एड्रेस जब ट्रेस हो जाता है, आप पकड़े जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो कार्रवाई हुई है, जो 528 दलाल जो पकड़े गए हैं, ये 26 अक्टूबर से ये कार्रवाई स्टार्ट हुई थी और 4 नवंबर के बीच में ये लोग पकड़े गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें से अभी तक 37 दलाल फरार हैं, ये लोग पकड़े नहीं गए हैं। और दोस्तों जो भी ये 528 एजेंट जो पकड़े गए थे, इनमें से 70% लोग ऐसे थे जिनके पास ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने का लाइसेंस नहीं था, यानी ये लोग रेलवे से ऑथराइज एजेंट नहीं थे। इन लोगों के पास से कुछ टिकट बरामद हुए हैं और टिकट की संख्या है 2801, यानी 2801 टिकट इन लोगों के पास से पकड़ा गया है और जिसकी जो कीमत है वो 70 लाख के आसपास है। और इनमें से जो 59 एजेंट हैं उनकी जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए हैं, यानी अब वो आगे से लाइसेंस नहीं ले सकते और टिकट नहीं बुक कर सकते। अब यहाँ पे इस खबर को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे अपडेट किया गया है कि एनमस नाम का जो सॉफ्टवेयर की मदद से इन लोग जो तत्काल टिकट बुक करते थे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके, इनमें से RPF ने इस कार्रवाई में 519 अपराधियों के नाम से दर्ज केस हुआ है और इनमें से 2720 जो IP एड्रेस होते हैं, जैसे आपको कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह से आपको नेट यूज़ करने के लिए IP एड्रेस होती है और इन IP एड्रेसों को 2720 IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया गया है, परमानेंटली ब्लॉक हो गया है, जो भी यूज़र ID इनके पास मिली है वो सभी को ब्लॉक कर दिया गया है और अब ये यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सफ़र करते हैं और तत्काल टिकट लेके खास तौर पे सफ़र कर रहे हैं और वो भी एजेंट लोगों से, तो आप इस बात का काफ़ी ध्यान दें, अगर आप भी फंसेंगे, अगर एजेंट लोग पकड़े गए तो आप भी फंस जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान दें। आगे से जब भी आपको सफ़र करना हो तो रेलवे के काउंटर से ही टिकट आप खरीदें और सफ़र करें, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपके चाहने वालों के लिए भी। सो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही कुछ अपडेट थे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।